Hi everyone, this is me, your Abhishek sir, your master teacher of chemistry. So, हम लोगों ने last lecture में electronic configuration को कैसे करते हैं, पूड़ी और plate, ये एक method से सीखा. कौन सा method था बेटा? पूड़ी और plate method. याद आया क्या? अफबाउ का principle किया था हम लोगों ने, अफबाउ principle, ABU, ये सब हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है? तो आज के lecture में हम लोग क्या करने वाले? आज के lecture में हम लोग electronic configuration पीरियड्स पढ़ने वाले. किसमें पढ़ने वाले? पीरियड्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, फिर उसी के बाद कुछ न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड्स क्या होता है. देखो, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी और इसके पहले भी बताया था कि बच्चा अपने पास ना एक स्कूल में जब थे हम लोग, तो हम लोग एक टाइम टेबल बनाते थे कुछ इस तरीके से. याद करो वो दिन जब आप टाइम टेबल बनाते थे, आप स्कूल में थे. कुछ कुछ लोगों की बात अलग है. क्या वो लोग हमेशा रफ बुक ही लेके जाते थे, मतलब उनका ना एक ही बुक में हिंदी, सीबीएसई, हिस्ट्री सब लिख देते थे. पता नहीं कौन थे वो, ठीक है, कहाँ से आते हैं ये लोग. हाँ, इतने तेजस्विनी लोग हैं, बोले हैं एक केमिस्ट्री की अच्छी सी नोटबुक बना लो, तो भी उसी के अंदर फिजिक्स मैथ सब घुसा देते हैं, ठीक है. तो ऐसे करके अपना कुछ टाइम टेबल बनता था. याद आया बच्चों आपको? टाइम टेबल ऐसे ही बनता था, राइट? यहाँ पर कुछ इस तरीके से अपने पास होता था. क्या बेटा? ऐसे करके हम लोग बनाते थे. ये हो गया हमारा बेहतरीन सा टाइम टेबल, ठीक है. आपको हमारा टाइम टेबल मिला कि नहीं मिला? विराट बैच का मिल गया ना, विराट बैच का टाइम टेबल, तो उसी को फॉलो करो बस, ठीक है. और बीच में अगर लेक्चर ना आए तो पहले वाले लेक्चर का रिविज़न कर लो, मेरा ही देख लो, ठीक है, रिविज़न हो जाएगा फिर. ओके, मेरा मतलब किसी का भी देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया? तो देखो ऐसे करके हमारे पास क्या आता था बेटा, हमारे पास ऐसे करके जब हम लोग यहाँ पर क्या लिखते थे, जैसे लिखते थे ना फर्स्ट पीरियड, राइट, यहाँ पर लिखते थे सेकेंड, यहाँ पर थर्ड, यहाँ पर फोर्थ करके ऐसे, राइट. यहाँ पर हम लोग क्या लिखते थे? मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ऐसे करके, समझा? ऐसी बनाते थे ना टाइम टेबल, ऐसी बनाते थे. तो मेरे बोलने का मतलब क्या है, जब भी मैं पीरियड की बात करूंगा बेटा, किसकी बात करूंगा? पीरियड की. किसकी बात करने जा रहा हूं? पीरियड की. तो पीरियड जब भी मैं बोलूंगा तो आपको कैसे देखना है? ऐसे देखना है. यानी कि कैसे देखना है? ऐसे. इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा? इसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल. क्या बोलेंगे बच्चा? हॉरिजॉन्टल. इतना सबको समझ में आ गया? हॉरिजॉन्टल में हमारा कभी भी क्या होगा बच्चा? हॉरिजॉन्टल में हमारा पीरियड होगा. और जब मैं ग्रुप की बात करूंगा तो किस में रहेगा बच्चा? वर्टिकल में. इतना क्लियर हो गया? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं ना? सबको समझ में आ गया ना? स्कूल का टाइम टेबल बोलते थे ना, ट्यूसडे में थर्ड पीरियड किसका है तो ऐसे देखते थे, थर्सडे में फोर्थ फिफ्थ पीरियड किसका है तो ऐसे करके देखते थे. याद आ गया? तो ये इसी तरीके से तो अपने को करने गए, एकदम सिंपल है, समझा? अब आगे चलते हैं. देखो, अब अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पीरियड्स के बारे में पढ़ना है. तो मुझे याद आ गया. क्या याद आ गया? कि अभिषेक सर ने मुझे बताया था, ये बताया था कि मेरे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है, पीटी, पीटी का पीरियड याद है ना, मस्त रहता था स्कूल में. तो पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 1 to 7 पीरियड है. कितना पीरियड है? 1 to 7 हमारे पास क्या है? पीरियड है. इतना क्लियर है? कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, ठीक है. अब क्या पढ़ना है अपने को? अब अपने को इन्हीं के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में पढ़ना. सो नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड्स. समझ में आ गया? कोई डाउट है? नहीं. चलो आगे चलते. अब हम लोग बात करेंगे फर्स्ट पीरियड की. सो फर्स्ट पीरियड में क्या आता है, इसको समझने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि एन क्या होता है. बच्चा एन क्या होता है? एन होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. क्या होता है बच्चा? प्रिंसिपल, मेरे साथ बोलो प्रिंसिपल, ठीक है, क्वांटम नंबर. एस क्या होता है? एन क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. सबको समझा? एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है. अब ध्यान से देखो, हो गया एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. अब अपने को फर्स्ट पीरियड के बारे में समझना है. फॉर एग्जांपल, यहां पर एक है, कोई तो भी पर्सन एक खड़ा है, और वहां पर सामने दो खड़े हैं, तो भारी कौन है? एक की दो, दो लोग भारी रहेंगे एक के ऊपर, सीधी सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है ना, दो लोग क्या रहेंगे? एक पे भारी रहेंगे. तो उसी तरीके से जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन्स को
आगे आगे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन्स को डालते जाओगे तो उनकी एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। समझ में आ गया ना? जैसे पहले कैसे 1 लाख सब्सक्राइबर, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, आने वाले समय में 1 मिलियन पार, तो ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा, एनर्जी एक्सपांड होते जाएगा। समझा? तो उसी तरीके से यहाँ पर अपने को समझना पड़ेगा कि अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से एक है, ठीक है, ऑर्बिट, इसको ऑर्बिट बोलते हैं हम लोग, तो यहाँ पर सेकंड ऑर्बिट है, ठीक है, क्या है, सेकंड ऑर्बिट है। तो अगर यहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कहाँ पर, कुछ इस तरीके से यहाँ पर है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स आने वाले शेल्स पे ऐड होते जाएंगे, जो आगे आएगा इसके शेल उसमें ऐड, फिर इसमें ऐड, फिर इसमें ऐड, तो उनकी एनर्जी क्या होती जाएगी, हायर होते जाएगी। इतना समझ में आ गया? जैसे कि है ली ना की, वो सब याद है ना आपको, है ली ना की रबड़ी सस्ती फ्री, तो हाइड्रोजन में 1, फिर इसके अंदर 3, तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहा है तो वैसे वैसे इनका जो साइज है वो भी क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? तो यही अपने को समझना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किसमें, पीरियड्स में समझना पड़ेगा बेटा। किसमें समझना पड़ेगा बोलो? पीरियड्स में समझना पड़ेगा। किसमें समझेंगे हम लोग? पीरियड्स के अंदर। ठीक है, बोलो ठीक है सर। ऑलराइट, ऑलराइट, चलो कोई कलर चूज कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, ये तो पहले से ही था, ये कर लेते हैं, ये अच्छा लगता है अपने को। ठीक है, अब इधर देखो, अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फर्स्ट पीरियड के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग बेटा? फर्स्ट पीरियड के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग? फर्स्ट पीरियड के रिगार्डिंग। अब देखो, हमारे पास फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट है, कौन कौन से है? पहला है अपने पास हाइड्रोजन, ठीक है, इसको एक काम करते हैं साइड में रखते हैं। दूसरा है अपने पास हीलियम। ओके बेटा, तो हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर है 1 और हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनाना है तो फिर हम लोग क्या करेंगे बेटा, प्लेट लगाएंगे। क्या करेंगे बच्चा? प्लेट लगाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से देखिए, सबसे पहले प्लेट लगेगी 1s की, फिर यहाँ पर भी हम लोग प्लेट लगाएंगे 1s की। समझा? फिर ऐसे s कितनी खाता है बताओ, s कितनी खाता है, याद करो वो दिन, s कितनी खाता है, 2, और ये भी कितना खाएगा, 2। बट रॉन्ग हो गया, क्या रॉन्ग हो गया, हाइड्रोजन अपने पास पूरी एक है, कितनी पूरी है, एक है, सर आपने इधर 2 डाल दिया, तो ये क्या हो गया बच्चा, रॉन्ग हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया सर। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 1 कर देंगे। समझ में आ गया? ये बरोबर है, हाँ सर ये बरोबर है, ये भी बरोबर हो गया। आप समझ में आ गया आपको? एकदम सिंपल था, यस और नो, राइट? तो यहाँ पर आपका पीरियड क्या निकल के आया, आपको क्वेश्चन पूछेगा पीरियड क्या निकल के आया, तो आपको ये बताना है कि सर यहाँ पर मेरा जो पीरियड है ना, इस एक आगे वाले नंबर को देखना है, यानी कि n को, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, ये इसका पीरियड हो गया। तो n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1 है, तो इसका पीरियड कितना हो गया, फर्स्ट। सबको समझा? एकदम सिंपल था। हीलियम में देखिए यहाँ पर कितना है, 1 है, तो इसका कितना आ गया, 1। मैं वापस से बता रहा हूँ बेटा, क्या बता रहे अभिषेक सर, अभिषेक सर यही बोल रहे हैं, आपको पूरी को नहीं देखना है, इससे आपको मतलब नहीं है, इससे आपको मतलब नहीं है, आपको इससे मतलब है, n से मतलब है, n से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, आगे कितना नंबर है उससे। अब यहाँ पर इन दोनों ने क्या किया, इसने देखो, इसने अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया। क्या कंप्लीट कर लिया? डुप्लेट। डुप्लेट का मतलब होता है 2। एस की कैपेसिटी 2 की है, कितनी की है, 2 की है, तो उसमें हम लोगों ने अगर 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चा, वो कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, आगे वाले सेल में डालेंगे। जब हमारे पास और पूरी बचती है तो हम लोग क्या करते हैं, आगे वाले को देते हैं, ये सुनो, ऐसे ही करते, राइट? तो इसी तरीके से अपने को करना पड़ेगा अब सेकेंड पीरियड में। इतना समझ में आ गया आपको? यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, हम ये समझ के चल रहे हैं आपको। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर सेकेंड पीरियड के अंदर, सेकेंड पीरियड के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स कहाँ से है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एटॉमिक नंबर ले लेता हूँ 3। कितना एटॉमिक नंबर लेता हूँ? 3। 3 किसका है बच्चा? है ली, ली, ली यानी कि लिथियम का है। किसका है? लिथियम का है। ओके, अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनाते समय सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लेट लगाएंगे 1s, 2s, ठीक है। एस की कैपेसिटी कितनी की है? 2 की है, तो उसको 2 खिला देंगे। ऑलराइट, और इसमें भी कितनी कैपेसिटी है? 2 की है, तो 2 खिला दिया। पर यहाँ पर रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया? क्योंकि अपने पास पूरी कितनी है? 3 है, हम लोगों ने 4 खिला दिए, तो रॉन्ग हो गया। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको जस्ट सिंपली क्या करेंगे बच्चा, रफ करेंगे ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पर क्या लगा देंगे हम लोग? 1 लगा देंगे। कितना लगा देंगे? 1। अब आपको देखना है, क्या देखना है बच्चा, कि n की जो वैल्यू है, n की जो वैल्यू है वो कितनी है। यहाँ पर देखो, आपको 1 भी दिख रही है, यहाँ पर 2 भी दिख रही है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि n की सबसे लार्जेस्ट वैल्यू पकड़नी है, यानी कि 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है, बताओ आप मेरे को, 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है? अच्छा 2 बड़ा है, यस और नो? 2 बड़ा है। तो यहाँ पर इसका पीरियड कितना आ गया,
टू आ गया, सेकेंड पीरियड का एक, समझ में आ गया, एकदम सिंपल तरीके से सिखा रहे हैं। ठीक है, एक और कर लेते चलो। अब देखो, अब हम लोग किसका करेंगे बच्चा, ध्यान से सुनो, चार नंबर का करते हैं। अब चार नंबर किसका है, कौन से एलिमेंट का है, वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ, सीधी सी बात है। ठीक है, चार नंबर की सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की खासियत क्या है, सबसे पहले क्या करोगे बताओ, सबसे पहले आप क्या करोगे बच्चा, सबसे पहले आप प्लेट लगाओगे। प्लेट कैसे लगेगी, 1s 2s। ठीक है, अब यहाँ पर कितना जाएगा बच्चा, 2 जाएगा, यहाँ पर भी 2। अब देख बच्चा, n की सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, 2 है, तो इसका भी पीरियड कौन से पीरियड का हो गया, ये सेकेंड पीरियड का। इसके अलावा और कोई एलिमेंट आएगा क्या सेकेंड पीरियड में, हाँ आएगा, कौन सा वाला, पी ब्लॉक वाला, कौन सा वाला बच्चा, पी ब्लॉक वाला। पी ब्लॉक में जैसे कि आपके पास देखो, मैंने सिखाया था बैंगन, बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन का एटॉमिक नंबर कितना था याद करो, नहीं याद आ रहा है, इधर पे अपने पीरियोडिक टेबल है, क्या है बच्चा, इधर पे अपने पास है ना ऊपर पीरियोडिक टेबल, उसको देख लेते हैं हम लोग, देखो किधर गए, इधर है। ठीक है, इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं, वन सेकेंड, छोटा हो जा बच्चा, छोटा हो जा, नहीं होएगा कोई बात नहीं, मेरे पास और टेक्निक है। ठीक है, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। बैंगन कितना है बच्चा, 5 है। ठीक है, कितना है, याद आ गया कितना है बच्चा, 5 है। तो एक काम करते हैं, इसको इसको देखो, मैं आपको ना ऐसा करके दिखाता हूँ कि मैं आपके साइड से हूँ, मतलब मैं एज अ स्टूडेंट की तरह सोचता हूँ कि इसको हम लोग कैसे करेंगे, हाँ ऐसे करेंगे, ऐसे करके करता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है 5, कितना है बच्चा, 5 है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 5 है। तो 5 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिंपल से कैसे बनेगा, पहले पूरी लगाओ, पूरी नहीं, पहले प्लेट लगाओ, 1s 2s 2p। अब क्या करोगे, पूरी डालो, कैसे डालोगे देखो, ऐसे करके कुछ इस तरीके से, 2 2 और 2, काउंट करो, देखो रॉन्ग हो गया, क्या रॉन्ग हो गया, 6 डाल दिया आपने, आपके पास कितनी है, 5 ही है। तो यहाँ पर आप क्या करो, इसको रफ करो, और यहाँ पर क्या लिख दोगे बच्चा, कितनी लिख दोगे, 1 लिख दोगे, हो गया। ठीक है, अब n की सबसे लार्जेस्ट वैल्यू पकड़िए, कितनी हो गई, ये 1 है, नहीं ये 2 है, राइट, इसको ऐड मत कर देना बेटा, 2 को ऐड मत कर देना, n की सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है, 2। तो कौन से पीरियड का हो गया, सेकेंड पीरियड का, कौन से पीरियड का हो गया, सेकेंड। इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, एक एटॉमिक नंबर दे देगा, पूछेगा पीरियड बताओ, क्या पूछेगा, पीरियड बताओ, तो कैसे बताओगे, सिंपल है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक और ले लेते, कार्बन ले लेते, कार्बन कितना है, 6। ठीक है, अब बताओ सबसे पहले 1s 2s राइट, फिर 2p, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, n की सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कितनी आएगी, 2 आ गई, समझ में आ गया, बोलो आ गया सर, आ गया कि नहीं आ गया। तो देखो ये कब तक चलेगा, ये चलेगा आपका यहाँ तक, कहाँ तक बेटा चलेगा, सेकेंड पीरियड कहाँ तक चलेगा आपका, यहाँ तक चलेगा, देखो ध्यान से, सेकेंड पीरियड आपकी चलेगी यहाँ तक, देखो इसको समझो, कहाँ तक चलने वाला है सेकेंड पीरियड आपका, ठीक है, सेकेंड पीरियड आपका चलेगा नियॉन तक, कहाँ तक चलेगा, नियॉन तक, कैसे, देख बेटा नियॉन कितना एटॉमिक नंबर है, 10 है, कितना है, 10 है कि नहीं है, बोलो यस और नो, है कि नहीं है बताओ, एटॉमिक नंबर नियॉन का कितना है, 10 है। ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, अब देखो ध्यान से, एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 10 है, कितना है बच्चा, 10 है। ठीक है, तो अब 10 एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, प्लेट लगाएंगे, 1s 2s 2p राइट, इसमें 2, इसमें 2, p में 6, 10 हो गया, तो ये हो गया 10, और ये भी पूरी भी कितना था, 10, तो यहाँ तक चलेगा। सेकेंड पीरियड कहाँ तक चलेगा, देखो कहाँ से स्टार्ट होता है, मैं बता देता हूँ रिटर्न, यहाँ से स्टार्ट होगा लिथियम से लेकर के बच्चा, लिथियम से लेकर के सेकंड पीरियड चलता है कहाँ तक, नियॉन तक, कहाँ तक चलता है, नियॉन तक। इतना क्लियर हो गया, सेकंड पीरियड क्लियर है आपका, कोई डाउट है यहाँ तक, सेकंड पीरियड तक कोई डाउट है, कोई समस्या नहीं है, है क्या, नहीं है। अब हम लोग करेंगे थर्ड पीरियड, किसको करेंगे बच्चा, थर्ड पीरियड को। देखो थर्ड पीरियड में आ जाते हैं, थर्ड पीरियड ना इंटरेस्टिंग है, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन मिलेगा बेटा, थर्ड पीरियड से मिलेगा, कहाँ से, थर्ड पीरियड से। जैसे कि थर्ड पीरियड में हमारे पास कोई एक एलिमेंट है सोडियम, जैसे कि अपने को ऐसे नहीं बताएगा कि ये थर्ड पीरियड का है, ऐसे छूना पूछेगा, ऐसे पूछता है क्या, नहीं ना, ऐसे पूछेगा 11 बताओ पीरियड क्या है, सोडियम ऐसे दे देगा, सोडियम एटॉमिक नंबर 11 बताओ पीरियड क्या है। तो सिंपल, सबसे पहले प्लेट लगाओ, 1s 2s 2p 3s, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्लेट लग चुकी है, अब क्या करेंगे बेटा हम लोग डालेंगे, देखो कैसे, 2 2 6, देखो 6 4 10 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, मेरे पास कितना है, 11 है, तो मैं यहाँ पे कितना डाल दिया, 1। अब n की सबसे लार्जेस्ट वैल्यू देखो, 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है, मेरे को आप खुद से बताओ, 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है, बोलो बेटा 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है, 3 बड़ा है ना, क्या बड़ा है, 3 बड़ा है,
तो इसका पीरियड कितना निकल के आ जाएगा बच्चा, इसका पीरियड निकल के आ जाएगा 3। कितना निकल के आ जाएगा? 3। सबको समझा कि नहीं समझा? पीरियड कितना निकल के आया? 3। सिंपल है, एक और करते, चलो कैल्शियम कर लेते। क्या कर लेते? कैल्शियम, CA कर लेते। ठीक है, इसको हम लोग रफ कर देते। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से 3 उंगली फेरो। ओके चलो, ये यहाँ पर ऐसा सेकंड पीरियड लिख लेना। क्या लिख लेना? सेकंड पीरियड कहाँ से कहाँ तक रहेगा? लिथियम से लेकर के नियॉन तक। समझ में आ गया? चलो अब आगे चलते। अब हम लोग करेंगे किसका, यहाँ से कर लेते। SC का कितना है? SC का कितना है? 21 है। कितना है बच्चा? SC का 21 है। इसका सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाएंगे आपको मैंने सिखाया था। पहले क्या करोगे? प्लेट लगाओगे। लगाओगे कि नहीं लगाओगे? लगाओगे। चलो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p। ठीक है, इधर तक लगा दिया मैंने। ऑलराइट, अब मैंने क्या किया, 3p के बाद किसका लगाया? 4s का लगाया। किसका लगाया? 4s का। याद आया क्या? 3p के बाद 4s का लगता है ना बच्चा। 3p के बाद किसका लगता है? 4s का लगता है, राइट। अब देखो यहाँ पर डालते 2, 2, 6, 10 हो गया। ठीक है, फिर 2, फिर 6, मतलब कितना हो गया बच्चा यहाँ पर? 6। ठीक है, पी वाला 6, तो कितना हो गया? 10, 6, 16, 16, 2, 17, 18, फिर उसके बाद 19, 20, राइट। फिर इसके बाद क्या लगेगा? 3D, कितना लगेगा? 1, राइट। 21 हो गया कि नहीं हो गया? 2, 3, ऊपर कितना था? 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब बताओ इसमें n की सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? अरे नहीं समझा, चलो इधर देखो। ऐसे कैसे नहीं समझ में आ रहा है? अभिषेक सर पढ़ा रहे हैं ऊपर से, मास्टर टीचर केमिस्ट्री के, गोल्ड मेडलिस्ट पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब देखो कैसे, वापस से सिखाता हूँ। देखो कितना था? 21 था बच्चा। कितना था अपने पास? 21 था। बोलो कितना था बच्चा? 21 था। ठीक है, तो 21 का कैसे निकलेगा? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लेट लगाएंगे। कैसे? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, फिर उसके बाद 4s, फिर 3d। जो बच्चा देख रहा है ना, उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में अभी आने वाली है। ठीक है, देखो अब क्या करने का, अपने को पूरी डालना है। तो इसमें 2, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 2, इसमें 10 डाल देते। चलो ठीक है, अब काउंट करते। 21 है ये, 6, 4, 10। ठीक है, फिर ये 6, 4, 10। ठीक है, बोलो ठीक है। फिर यहाँ पर कितना? 10। रॉन्ग हो गया क्या? 10 थोड़ी ना आएगा, अपने पास पूरी 21 है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चा? यहाँ पर आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा? 1। क्लियर हो गया? मतलब क्या, यहाँ पर 6, 4, 10, यहाँ पर 6, 4, 10, और ये 1, 21 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब इसमें बताओ पीरियड क्या है? क्या है बेटा पीरियड क्या है? अब एक काम करो, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर है, सीधी सी बात है, पर एक काम करो, ईमानदारी से पोस्ट करो, इधर पे रुकाओ मेरे को, ऐसे करके रुकाओ और बताओ इसका पीरियड क्या आएगा। कमेंट में मारो, कमेंट में मैं पढ़ूंगा, मैं टाइम निकालूंगा, मैं रीड करूंगा। कमेंट में करो क्या आएगा, पीरियड क्या आएगा इसका, बताओ। किया कि नहीं किया? किया, बहुत ईमानदार हो फिर तो। चलो देखो, अब थोड़ा आलस कम करते, ठीक है, इसको देखते। अब 4s और 3d है, n की सबसे लार्जेस्ट वैल्यू देखनी है। n की सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? 4 है बेटा। देखना बेटा, 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है? 4 बड़ा है, तो इसका पीरियड कितना निकल के आ जाएगा? 4। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये नहीं देखना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, आपको ये देखना है कि n जो आगे का जो नंबर है ना वो कितना है, वो सबसे बड़ा कौन सा है, वो सबसे बड़ा कौन सा है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है, यस और नो? यस। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया ना, पीरियड निकालो, ये निकालो, वो निकालो, सबसे पहले मेरे दोस्त को याद करो, अब्बू को। अब्बू का प्रिंसिपल, अब्बू वाला प्रिंसिपल बना दो फटाफट से, 1s, 2s, कट कट कट, फिर बस बात खत्म। उसी को देखो और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ, फिर एटॉमिक नंबर को देखते हुए एटॉमिक नंबर को पूरी कंसीडर करो, टक 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 डालते हुए चलो। समझ में आ गया? कोई डाउट है यहाँ तक? बोलो नहीं है। और यहाँ पर एक हिंट भी दिया था, फोर्थ पीरियड पढ़ा रहा हूँ तो फोर्थ ही रहेगा। ठीक है, चलो आगे चले, एक और करते, चलो एक और करते। कौन सा करेंगे बोलो? आप ही बताओ कौन सा करोगे, कोई भी एक नंबर बताओ ना बच्चा। 26 कर लेगा, चलो 26 कर लेते। ठीक है, 26 आपको मैंने दिया है, इसका पीरियड बताओ। तो सबसे पहले 1s, ठीक है सर, 2s, 3s, 3p, 3p के बाद क्या आता है? 4s आता है, फिर उसके बाद 3d आता है। अब डालो, चलो इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 6,
कुछ तो भी रॉन्ग हो गया। क्या रॉन्ग हो गया सर? आपने टूपी नहीं लिखा सर। सर आपने क्या नहीं लिखा यहाँ पर? सर आपने टूपी, तुम्हें टूपी ना लिखा सर, ऐसा कमेंट में कोई मारेगा, पर मैं बता रहा हूँ ना, लिख दिया अभी 6 4 10, ठीक है, और ये कितना 16 17 18, टोटल 18 हो गया ना यहाँ तक। यहाँ तक कितना हो गया? यहाँ तक 18 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 डाल दिया, 19 20, कितना बचा? 26 है, तो इधर 6 आ गया। अब एन की सबसे लार्जेस्ट वैल्यू देखो क्या है, एन की सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है 4, तो फिर कितना आ जाएगा बच्चा पीरियड इसका? कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। समझ में आ गया? सबसे सिंपल है, मैं आप पे शॉर्ट ट्रिक लिख दे रहा हूँ आपके लिए समझने के लिए, शॉर्ट ट्रिक मैं बना करके आपको दे दे रहा हूँ, ठीक है। गायब हो जाए बच्चा, गायब हो गया, ठीक है, इसको चलो गायब कर देते फटाफट से, और मैं एक आपको शॉर्ट ट्रिक लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। और वो मेरी शॉर्ट ट्रिक क्या है ये देखो, ध्यान से, ध्यान से देखो। यू हैव टू सी लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन, और हमारा एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, क्वांटम नंबर है। अब देखो बताता हूं, कुछ कुछ लोग ना फोन को ना ऐसे पकड़ के देख रहे, ऐसे मत पकड़ के देखो, यहां पे बटन रहता है उसको ऐसे दबाओ और टेढ़ा मतलब हॉरिजॉन्टल में पकड़ के देखो तो अच्छा दिखेगा ये, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, समझ में आ गया आपको? क्या देखना है? कभी भी एन देखना है, ठीक है, एन की सबसे लार्जेस्ट। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते, जैसे भी कोई एक नंबर लेते, कोई भी आप एक नंबर लो, बताओ ना कोई भी एक नंबर बताओ, कोई भी बोलो बोलो बोलो, चलो कोई एक नंबर ले, यहाँ से उठाते चलो पहले पीरियोडिक टेबल से उठाते, पीरियोडिक टेबल से कोई एक नंबर उठाते हम लोग, ठीक है। इधर देखो 42 लेते, चलो क्या लेते हैं 42, आपको बोला 42 का पीरियड बताओ कौन सा है, एटॉमिक नंबर 42 दिया और आपको क्या पूछा? पीरियड। तो देखो कैसे, 1s 2s 2p 3s 3p 3d, फिर उसके बाद नहीं, क्या रॉन्ग किया हम लोगों ने, यहाँ पर क्या आएगा 4 3p के बाद 4s आएगा, समझा? अक्सर यहाँ पर 4s लिखने की जगह पे 3d लिख देते तो गलत हो जाएगा, समझा? पहले 4s आएगा, अब वो प्रिंसिपल टक 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 याद है, ठीक है। फिर उसके बाद 4p नहीं, क्या आएगा बच्चा? 3d आएगा, क्या आएगा? 3d। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले डालना चालू करते हैं इसको, कैसे देखेंगे देखो, अब एकदम सिंपल तरीके से यहाँ पर फिलअप करेंगे, पहले कैसा 2 फिर 2 फिर 6 6 4 10, 10 2 12, 12 6 16, ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर यहाँ पर 2 डाल दिया, यहाँ पर 10 डाल दिया, अब काउंट करूँगा मैं कैसे, ये हो गया मेरा 10, ठीक है, ये हो गया मेरा 10, ये हो गया मेरा 10, कितना हो गया? 30 हो गया। मेरे को, मेरे पास नंबर कितना है? 42 है, मतलब मेरे को और पूरी है मेरे पास, तो और प्लेट लगाऊंगा। 3D के बाद किसकी लगा दूंगा? 4P की लगा दूंगा, हाँ या ना? 4P में कितना डाल सकता हूँ मैं? 6 डाल सकता हूँ, कितना डाल सकता हूँ? 6। तो अब 6 डालने के बाद मेरे पास कितना हो गया? 36। नंबर कितना है मेरे पास? 42 है। तो फिर वापस से मैं किस पे आ जाऊंगा बेटा? अपने अबव प्रिंसिपल पे आ जाऊंगा, अबव प्रिंसिपल को देखूंगा और क्या बोलूंगा? देखो अबव प्रिंसिपल को देखूंगा और बोलूंगा कि 3D के बाद 4P, 4P के बाद 5S आता है, फिर 5S के बाद 4D आता है, 5S के बाद क्या आता है? 4D, 5S के बाद 4D आएगा, याद रखोगे? यस और नो? 5S के बाद क्या आएगा? 4D आएगा, समझा? तो यहाँ पर आते हैं हम लोग रिटर्न, 4P हो गया, फिर उसके बाद 5S, ठीक है, 4P के बाद 5S, 5S के बाद क्या आता है? 4D आता है। तो यहाँ पर मैं डालता हूँ नंबर अपना कितना? 2 डाल देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर 2 डाल दिया, यहाँ पर मैंने 10 डाल दिया। अब मैं वापस काउंट करूँगा, क्या काउंट करूँगा? 10, ठीक है, ये इधर तक 30 था, ये 10 40 हो गया, ये देखो ना, ये इधर तक कितना है? 30 है कि नहीं है? है 30। यहाँ पर कितना है? 6, मतलब कितना हो गया? 36 36 37 38 38 हो गया। मेरे पास नंबर कितना है? 42 38 39 40 41 42, मतलब इधर पे कितना आएगा बच्चा? इधर पे 10 नहीं आएगा, इधर पे कितना आएगा? 4 आएगा। कितना आएगा बच्चा बोलो, बच्चों को कितना आएगा? इधर पे, इधर पे आएगा 4, कितना आएगा? 4, ठीक है। तो एन की सबसे लार्जेस्ट वैल्यू देखो सर, 4, रॉन्ग हो गया, सीधा रॉन्ग, किधर? 5 है ना, सबसे बड़ा इधर देखना, 1 है 3 है 4 है 5, हाँ 5 है। पीरियड कितना सर? पीरियड 5 आ गया। समझा ना कि नहीं समझा? बोलो, सुनूंगा मैं, बोलो, मेरे को मांगता है, मेरे को ऑफलाइन वाला फील आना चाहिए, ये कैमरे के सामने मेरे को भी बहुत इरिटेट होता है, फिर भी मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ आपको सिखाने का, ठीक है। अब देखो
क्लियर हो गया। मैं बस ऐसा ज़ूम करता हूँ कि यहाँ पर मेरे को कोई तो बैठा है और देख रहा है, ठीक है, और मेरा स्टूडेंट है अभिषेक सर स्पेशल सीख रहा है, ठीक है। अब समझ में आ गया, क्लियर है, अपना फंडा एक ही है, क्या जान लगाओ या तो फिर जाने दो, सीधी सी बात है, क्लियर हो गया। कुछ भी पूछा ना पीरियड, सबसे पहले अबो को याद करो, ठीक है, पूरी प्लेट याद करो, लगाओ कॉन्फिगरेशन, बनाओ और डालो सीधा सीधा फटाफट से पूरी को, और देखो एन की सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, वही उसका पीरियड लिख दो, सीधी सी बात है बेटा, सीधी सी बात है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं आपको बताने की कोशिश करने वाला हूँ, जैसे कि क्या, जैसे कि जब मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक होता है, कहाँ तक होता है बेटा, यहाँ तक होता है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, और इसको भी हम क्या करते थे बेटा, रफ कर देते हैं, ऑलराइट। फॉर एग्जाम्पल अपना जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट सिखा रहा हूँ, इसको फटाक से स्टार मार्क कर लो, ठीक है, स्टार मार्क क्या करना है, कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल ये आप भूल जाओ, ये अभी इसको मत याद रखो, बस इतना समझो क्या कि यहाँ पर 3d10 आ रहा है, तो इसका आपके पास टोटल कितना है इलेक्ट्रॉन्स कब देखते, तो बच्चों इतना समझ में आ गया आपको। अगर आपको कोई पूछेगा कि फोर्थ पीरियड में, कौन से पीरियड में, फोर्थ पीरियड के अंदर, ठीक है, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, तो आपको लिखना है 18, कैसे देखो ध्यान से, 4s2, ठीक है, फिर इसके बाद क्या था, 3d था, 3d में 10, फिर 4p तक चलेगा, ये p में कितना 6, तो इसको टोटल काउंट कर लो कितना हो गया 18 बेटा, 10 2 12 और 6 18 ऐसे करके, समझ में आ गया। अगर आपको कोई पूछता है कि आपके पास फिफ्थ पीरियड में कितना है, तो आप फिफ्थ पीरियड कैसे करोगे, देखो ना ध्यान से एकदम सिंपल तरीके से, आपका थर्ड हो गया, क्लियर हो गया, फोर्थ हो गया और फिफ्थ, फिफ्थ में देखो आपको कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेना है जिसमें लास्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 5 आए, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है फिफ्थ पीरियड के रिगार्डिंग अकोमोडेट्स 18 एलिमेंट्स एज अ रिजल्ट ऑफ ए सक्सेसिव फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5s एंड 4d एंड 5p सबशेल्स, ठीक है, 5s एंड किसके अंदर, 4d एंड 5p में जाता है, ठीक है, 5 कहाँ तक चलेगा बच्चा, p तक चलेगा, इतना समझ में आ गया, क्लियर हो गया। जैसे देखो ना 5p के अगर हम लोग आगे गए, देखो लॉजिकल बात है, 5p के अगर हम लोग आगे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं 5p के आगे जाऊँगा तो मेरे को 6s मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 5p के आगे, 6s मिल जाएगा, तो पीरियड 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, समझ में आया। तो 6s 6 पीरियड कहाँ तक चलेगा, 6 पीरियड चलेगा 6p तक, कहाँ तक चलेगा, 6p तक चलेगा, उसके बाद अगर मैं जाऊँगा तो मेरे को 7s मिल जाएगा, तो मेरा पीरियड हो जाएगा 7, क्लियर हो गया, कोई डाउट है, कोई समस्या नहीं है, बोलिए नहीं है, नहीं है फिर, ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है, फिफ्थ पीरियड आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दो न्यूमेरिकल करेंगे, क्या करेंगे बेटा, दो न्यूमेरिकल करेंगे, कैसे, देखो ऐसे, यहाँ पर देखो, व्हाट इज द सबशेल इन विच, ये आपके टेक्स्ट बुक का ही है, ठीक है, मैं दिखा भी देता हूँ, आपके टेक्स्ट बुक का ही आपका क्या है, ये न्यूमेरिकल है, ठीक है, ध्यान से देख लो, टेक्स्ट बुक खोला रहेगा तो बहुत अच्छा है, पेज नंबर 97 पे यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर दिया है 7.1 और 7.2, ये करा रहा हूँ मैं अभी, ठीक है, तो चलो यहाँ तक आपका पहुँच चुका है सिलेबस। अब देखो व्हाट इज द क्वेश्चन पढ़ो, व्हाट इज द सबशेल इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन द सिक्स्थ पीरियड एंटर्स, पूछा कि सर सबशेल क्या है, क्या पूछा उसने सबसे पहले, सबशेल पूछा, ठीक है, क्या पूछा बच्चा, सबशेल पूछा, किसका पूछा, इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन द सिक्स पीरियड एंटर्स, कौन सा पीरियड देखने को बोल रहा है अपने को, सिक्स पीरियड देखने को मिल रहा है, कौन सा पीरियड देखने को बोल रहा है, सिक्स पीरियड देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो सिक्स पीरियड में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा, खुद से सोचो, सिक्स एस में एंटर करेगा, किस में एंटर करेगा, सिक्स एस, कैसे याद रखो इसको, द सिक्स पीरियड बिगेंस बाय फिलिंग द लास्ट इलेक्ट्रॉन्स इन द सेल विद एन इक्वल्स टू सिक्स, सिक्स पीरियड का स्टार्टिंग कैसे होगा, जब क्या होगा हमारा एन कितना होगा बच्चा, 6 होगा, फिफ्थ पीरियड का स्टार्टिंग कब होगा, जब फिफ्थ में आएगा एन हमारा फिफ्थ होगा, फोर्थ पीरियड का स्टार्टिंग कब होगा, जब एन हमारा 4 होगा, सिंपल सी बात है, तो पूछ है ना कि सिक्स पीरियड कहाँ से स्टार्ट होगा, जब एन की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी, सिंपल सा क्वेश्चन था, द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन द सिक्स पीरियड एंटर्स द सबशेल 6s के अंदर एंटर करेगा, नहीं समझा, अब वो प्रिंसिपल रिटर्न देखो, अब वो प्रिंसिपल क्या करो, रिटर्न देखो, इधर देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन सिक्स वाला कब से स्टार्ट हो रहा है, सिक्स वाला बेटा, सिक्स वाला कब कैसे स्टार्ट होगा,
जब एक इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, सिक्स में आएगा, तब सिक्स स्टार्ट होगा ना। फिफ्थ के बाद क्या स्टार्ट होगा, सिक्स ही स्टार्ट होगा ना। पांचवें पीरियड के बाद कौन सा पीरियड आएगा, नौवां पीरियड थोड़ी ना आएगा, छठा ही आएगा ना। ठीक है, समझ में आ गया, कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं ना, कोई डाउट है? बोलो नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन करते, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाओ। ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन, देखो ध्यान से, ये कुछ इस तरीके से। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। आवाज आवाज सब क्लियर आ रही है ना, वॉइस में कोई इशू नहीं है, बरोबर। अब देखो, हाउ मेनी, लास्ट क्वेश्चन है आज का लेक्चर, संपना रहे आता बाड़ा, पूर्ण लक्ष्य दे, छोटा सा लेक्चर है, छोटा सा, एकदम छोटा सा पीरियड के रिगार्डिंग, समझा। अब देख लो, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द सिक्स्थ पीरियड, पूछ रहा है कितने एलिमेंट प्रेजेंट है छठे पीरियड में, छठे पीरियड में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है। तो सिंपल है, देखो, द सिक्स पीरियड बिगेंस बाय फीलिंग द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन द सिक्स एस, सिक्स पीरियड कहाँ से स्टार्ट होगा, सिक्स एस से स्टार्ट होगा, पता है अपने को, एंड एंड्स अप कंप्लीटिंग द सबशेल 6p। मैंने आपको बताया था मेरे पहले वाले लेक्चर में कि बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 6f के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाता, तो इसका मतलब 6p तक ही क्या हो जाता है बच्चा, वो खत्म हो जाता है, ठीक है। देयरफॉर द सिक्स पीरियड हैज द सबशेल फील्ड बाय इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, 6s में जाएगा पहले, फिर उसके बाद किस में जाएगा, 4f में जाएगा, फिर उसके बाद 5d में जाएगा, फिर 6p में जाएगा, ठीक है। तो s में कितना जाता है, 2, f में कितना जाता है, 14, डी में कितना आता है, 10, पी में कितना जाएगा, 6, तो इसको प्लस करोगे 32। अरे नहीं समझा, ऐसा कौन बोलता है, कमेंट सेक्शन में बताना। अरे नहीं समझा, इतना नहीं समझ में आया, ऐसे करने का, ठीक है। देखो ध्यान से, एकदम सिंपल है, अब प्रिंसिपल पे आ जाओ, ठीक है। देखो एकदम सिंपल है, यहाँ पर देखो, अब अपने पास पूछा था सिक्स, देखो सिक्स पीरियड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, राइट। सिक्स पीरियड कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ से स्टार्ट हो रहा था सिक्स एस से, ठीक है। तो देख, सिक्स एस से स्टार्ट होता था, कहाँ पे खत्म होता था, सिक्स पी पे। तो देख, इस बीच बीच में, इसके बीच बीच में कौन आ गया, टपली मारते से देखो कौन कौन आ गया, 5p, देखो ना, 4d आया, 5p आया और 6s आया, और कौन आया, 4f आया, 5d आया और 6p आया, समझा। तो ऐसे ही तो करने का अपने को, ठीक है। जो जो आया उसी का उसने क्या कर दिया बच्चा, लिख दिया, लिख दिया कि नहीं लिख दिया, ध्यान से देखना, ये दोनों ही लिखना है, क्यों, क्योंकि यहाँ से थोड़ी ना सिक्स पीरियड स्टार्ट हो रहा है, सिक्स पीरियड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सिक्स एस से स्टार्ट हो रहा है, 4f पे जा रहा है, 5d पे जा रहा है और 6p पे खत्म हो जा रहा है। तो बीच में कौन कौन है, s आया, s कितना, 2, s कितना है बच्चा, s कितना है बोलो, s कितना है, 2 है, ठीक है। फिर कौन आया, s के बाद कौन आ गया बच्चा, f आ गया, कौन आ गया, f आ गया, f में कितना, 14, फिर कौन आया, d आया, d में कितना, 10, फिर कौन आया, p आया, p में कितना, 6, इसको प्लस कर दिया 32। सिंपल क्वेश्चन, एकदम सिंपल, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ रहेगा, एकदम छोटा सा लेक्चर है हमारा, ठीक है। ज़्यादा कुछ बातें थी नहीं इस लेक्चर में बताने लायक, आपको मैंने पीरियड सिखा दिया है, और पीरियड में मैंने आपको क्या बता दिया है कि आपको एन का सबसे क्या दिखना है बच्चा, लार्जेस्ट वैल्यू दिखना है, ठीक है। तो अब आपका होमवर्क क्या क्या है वो देख लो फटाफट से, 2 मिनट लगेगा, देख लो फटाफट से, अभी वीडियो मत बंद करो, होमवर्क देखो पहले, होमवर्क करके आना है, ठीक है, चेक करने आऊँगा मैं, ठीक है। अब देखो कैसे करने का है होमवर्क, होमवर्क में आपको दिखा फर्स्ट पीरियड्स में जो जो एलिमेंट्स आते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन लिखना है, सेकंड पीरियड में जो जो एलिमेंट्स आते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन लिखो, थर्ड पीरियड में जो जो एलिमेंट्स आते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन, फोर्थ में जो आते हैं, फिफ्थ में जो आते हैं, सिक्स में जो आते हैं, सेवन्थ में जो आते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन आपको लिखना है, पहली बात ये, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एटॉमिक नंबर्स के रिगार्डिंग, ये तो हो गया हमारा, क्योंकि अगर आप जब ये लिखोगे तो आपको सीधी सी बात है एटॉमिक नंबर्स पता है, ठीक है। अब सेकंड, आपको ये जो दो क्वेश्चन कराना मैंने, कौन कौन सा, 7.2 और 7.1, ये दोनों आपको दो बार करना है, कितने बार करना है बेटा, दो क्वेश्चन आपको करना है, दो बार करना है, ठीक है। अपने को ऐसा लगना नहीं मांगता है कि हम लोग ऑफलाइन क्लास में नहीं है, ऑनलाइन में फ़ोन पे देख रहे हैं, अभिषेक सर को ऐसा लगना मांगता है कि अभिषेक सर आपके सामने खड़े, ठीक है, और आपको फेस टू फेस पढ़ा रहे हैं, और आपको जो भी होमवर्क कर रहे हो दे रहे हैं वो आप होमवर्क करके आ रहे हो, समझ में आ गया। मतलब ऐसा एक बॉन्डिंग रहना चाहिए अपना बेटा, समझा कि नहीं समझा, बॉन्डिंग रहना चाहिए अपना, तभी तो केमिस्ट्री में हम लोग समझेंगे कुछ, बॉन्डिंग विंडिंग कैसे हो रहा है, टूट रहा है, बन रहा है, अपने को बॉन्डिंग क्या करना है, बनाना है, ठीक है। इतना होमवर्क आपको समझ में आ गया, क्या बताया, फर्स्ट से लेकर के सेवन पीरियड तक आपको सारे के सारे जो भी एलिमेंट्स है लिखने हैं, ठीक है। मतलब सिक्स पीरियड किसका किसका आता है, सेवन किसका आता है, एट किसका आता है, नाइन किस, एट तक तो आएगा ही नहीं, सेवन पीरियड ही है खाली, ठीक है। अब सेकंड आपको मैंने क्या बताया, दो क्वेश्चन से आपको ये करना है, कितने बार करना है, दो बार करना है, ठीक है। एक मस्त की 20 रुपये की एक नोटबुक खरीद लो, ठीक है, और ये सब पढ़ाई चालू कर दो, समझा। अपना फंडा एक ही है, जान लगा दो या फिर जाने दो, ठीक है। अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों अलविदा,
दिस इज मी योर अभिषेक सर, योर मास्टर टीचर ऑफ केमिस्ट्री। आपको मिलेंगे आपके हम नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ग्रुप्स के रिगार्डिंग और भी बहुत कुछ, ब्लॉक्स के रिगार्डिंग और कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।